श्रीनगर में G20 समिट का आज दूसरा दिन है और ऐसे में कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें से एक मुद्दा होगा फिल्म टूरिज्म की संभावनाएं। और ऐसे में इस मुद्दे पर भी संवाद किया जाएगा। कुछ ही देर में तीसरे वर्किंग ग्रुप की बैठक होने वाली है। LG मनोज सिन्हा से मिलेंगे 29 देशों के डेलीगेट्स। G20 बैठक को लेकर श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा भी की गई है। तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, दो तस्वीरें हैं श्रीनगर की, जहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। दूसरा दिन है आज समिट का और ऐसे के अंदर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, जिसमें से एक होगा जम्मू कश्मीर में फिल्म टूरिज्म की संभावनाएं, जिसको लेकर भी अहम चर्चा होगी। तो वही देखिए, पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा था माहौल बिगाड़ने का, वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से दहशत का माहौल बनाया जा रहा था, फेक न्यूज फैलाई जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, उसको विफल करते हुए G20 समिट का आगाज हो चुका है। दूसरा दिन है आज और लगातार कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं की जा रही है। और देखिए, दो तस्वीरों के माध्यम से श्रीनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। और आज LG मनोज सिन्हा से 29 देशों के डेलीगेट्स मिलेंगे, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। और इससे पहले भी देखिए, देखने को मिल रहा था कि G20 समिट को लेकर बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही थी, और अब जब G20 समिट को लेकर मीटिंग शुरू हो चुकी है, डेलीगेट्स पहुंच चुके हैं, तो सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी देखी जा सकती है। हालांकि देखिए, जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जा रहा था, ऐसे में आशंका यह भी जताई जा रही थी कि डेलीगेट्स वहां पर नहीं पहुंचेंगे। पर क्योंकि भारतीय नौसेना ने हमारी मजबूती दिखाई है, भारतीय सेना की सुरक्षा इस तरह की देखने को मिली और उस प्रोपेगेंडा को फेल किया गया, और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सैयद, आज जो कार्यक्रम होना है, जो समिट होगा, उसमें कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसमें प्रमुखता से चर्चा की जाएगी? देखिए, आज दूसरा दिन समिट का है और कुछ देर बाद ये SKICC में कॉन्फ्रेंस जो है दोबारा शुरू होगी। और इस समिट में जब जम्मू कश्मीर के विकास टूरिज्म की बात करते हैं, तो कल दिन में क्या कुछ पाया गया उसके बाद उसको रिव्यू किया जाएगा, जिसमें गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग, स्वर्णमर्ग, अफरवट, ये वो डेस्टिनेशन हैं जहां पर टूरिज्म फुटफॉल जो है उसको इंटरनेशनल लेवल तक ले आएंगे। यानी कि इन जगहों पर अमूमन मुल्क से ही ज्यादा पर्यटक आते हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कल के समिट के बाद इसको रिडिस्कवर करने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजीद बेहतर करने के लिए, जिसमें वाटर कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा मुगल गार्डन, जिसमें निशात, शालीमार, हारवन, ये वो इलाके हैं जो कि श्रीनगर के बीचों बीच में टूरिस्ट अट्रैक्शन हमेशा रहा है। आज भी हजारों की संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट मौजूद है, लेकिन जिस अंदाज से मुगल बागात को उस वक्त तैयार किया गया था, उसके बाद मौजूदा वक्त में किस चीज की तब्दीली नागुजीर है, बड़ी लाजमी है, उस पर बातचीत हो सकती है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना माली पैकेज की जरूरत है, उस पर बातचीत हो सकती है। और तीसरा अहम मुद्दा जो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर में हमारा जो एक नया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट श्रीनगर और जम्मू में मुकम्मल हुए, श्रीनगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद बोलो भी, उस श्रीनगर का मार्केट जो कि चांदनी चौक की तस्वीर और उसी के मानत अपना एक कहीं ना कहीं एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। और यहाँ पर भी ये डेलीगेशन जो है G20 कंट्रीज का, ये किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकता है लाल चौक में। इसके लिए सिक्योरिटी व्यवस्था को मजीद तेज कर दिया गया। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि दाची गांव में है, और ये भी श्रीनगर शहर में ही मौजूद है, जहां पर काफी टाइम से न सिर्फ बॉर्डर टूरिज्म, वाइल्ड टूरिज्म, बल्कि जो बाकी पर्यटक कश्मीर आते हैं उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दाचीगाम पार्क को और क्या कुछ किया जा सकता है और इसके लिए क्या कुछ दरकार है, उस पर भी वर्कआउट होगा। लेकिन बड़ी बात और अहम बात जो आज हम सभी इंतजार में है, जम्मू कश्मीर में फिल्म सिटी, जिस तरह से नोएडा और मुंबई में जिस तरह से फिल्में तैयार करने में आपको बैरूनी मुल्क ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कश्मीर की इस खूबसूरती डल झील, बुरद मानसबल लेक के इस्तेमाल से फिल्मों को और खूबसूरत बनाया जाएगा। यानी फिल्म सिटी में अब हो सकता है, जो कि पहले ही जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्रीय सरकार ने अनुच्छेद 370 खात्मे कहा था
कि कश्मीर घाटी में आप फिल्म सिटी बनाई जाएगी। इस फिल्म सिटी में लोकल एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स। और बिल्कुल सही है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।